हेलो गाइस, टेस्टी होम कुक में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरे के आटे की टिक्की। कुछ लोग टिक्की कहते हैं, कुछ लोग पुआ बोलते हैं और कुछ लोग तिल ठुकवा भी बोलते हैं। इसके कई नाम हैं। तहसील में ये गर्म होती है क्योंकि बाजरे का आटा गर्म होता है, तिल्ली गर्म होती है और गुड़ भी गर्म होता है। अक्सर इसको सर्दियों के मौसम में बनाया जाता है। काफ़ी दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं इसे और खाने में बहुत ही बढ़िया एकदम क्रिस्पी लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। एक बाउल ले लिया है मैंने बड़ा सा और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप बाजरे का आटा। इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा कप तिल। तो तिल आप यहाँ पे थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ इसमें अब हम डालेंगे गुड़ का मीठा पानी या फिर आप शरबत भी कह सकते हो। थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे और मिक्स करेंगे। अच्छे से हम सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। अगर डो हमारा हार्ड हो जाएगा ना तो टिक्की बनाते समय फट जाएगी टिक्की, अच्छे से बनेगी नहीं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि गुड़ का पानी और गुड़ का शरबत क्या है, तो आइए अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इस पानी को तैयार कैसे किया हुआ है, क्योंकि ये पानी मीठा है। हमें यहाँ पर टिक्की मीठी बनानी है, इस वजह से गुड़ का पानी मैंने यूज़ किया है। एक छोटा सा बर्तन रख देंगे गर्म होने के लिए और इसमें हम ऐड कर देंगे गुड़। मैंने यहाँ पर लिया हुआ है जितना बाजरे का आटा लिया था ना उसका आधा हिस्सा गुड़। तो आप जैसे मीठी कम मीठी बनाना चाहते हो ना उस हिसाब से गुड़ का यूज़ करिएगा। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे 1/2 कप। गुड़ को मिक्स करेंगे, फ्लेम लो रखेंगे और थोड़ी देर तक मिक्स करते हुए पका लेंगे जब तक कि गुड़ हमारा पानी में पिघल नहीं जाता है। 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि गुड़ बढ़िया से पिघल गया है पानी में और पानी का कलर चेंज हो गया है। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इस पानी से हम आटा गूंथेंगे बाजरे का। तो ये देखिए एक तरफ हमारा जो है ना बाजरे का आटा गूंथ करके एकदम तैयार हो चुका है। इतना सॉफ्ट हमें रखना है। तो चलिए अब टिक्की बनाना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा हम डो लेंगे, आप अपने हाथ में पानी लगा लीजिए। पानी लगा लेने से फटती नहीं है और आराम से बनती है। उसके बाद गोल गोल करके और फिर अपने हथेली से जो है ना, एक हथेली पर रखिएगा और दूसरी हथेली से दबाते हुए इसको बड़ा कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने इतना बड़ा कर लिया है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, इसे पतला रखना है। पतला रखने से ना बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा बन करके तैयार होता है। थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाते हुए बनाइएगा, इसे बहुत ही बढ़िया बनेगा। जैसे मैंने आपको एक बना करके बताया है ना, ऐसे ही आप बना करके तैयार कर लीजिएगा। एक तरफ मैंने रख दिया है ऑयल गरम होने के लिए। ऑयल अच्छे से जब गरम हो जाएगा फिर हम इसमें टिक्की फ्राई करने के लिए डाल देंगे। फ्लेम जो है ना मीडियम रखिएगा, मीडियम फ्लेम पे टिक्की बढ़िया से फ्राई होगी। तो आप चाहो तो एक एक बनाते हुए डालते जाइए, या फिर आप पहले बना लीजिए या फिर डालिए। लेकिन क्या होता है ना, अगर आप पहले बना लोगे सारा उसके बाद फ्राई करोगे ना तो फटने लगती है। तो यहाँ पर मैंने इतना बना लिया है, अब इसे हम पहले फ्राई कर लेंगे फिर बाकी मैं बनाऊँगी। तो इसको पलट पलट करके हम फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट का समय आपको इसे फ्राई करने में लग जाएगा। 5 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी कलर चेंज हो गया है, क्रिस्पी हो गई है और एकदम फ्राई होकर तैयार हो गई। तो मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ ऑयल से। आप कोई भी इस तरीके से ना जाली वाली छलनी लीजिएगा, उसमें निकाल लीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना बिल्कुल भी ना आए हमारी टिक्की के साथ। इसी तरीके से बाकी की जो बाजरे के आटा था ना उसको भी टिक्की बना करके और फ्राई कर लीजिएगा। बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। गाइस, आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक देख रहे हैं तो तारा कुशवाहा फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय गाइज़।